हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ना शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तक अपन रिफ्लेक्शन को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो फर्स्ट लेक्चर में तो अपन ने बेसिक रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, फिर अपन ने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर और मल्टीपल रिफ्लेक्शन टाइप से, इस टाइप से अभी तक अपन ने पढ़ लिया। ऐसे रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, पहले बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, फिर जो रिफ्लेक्शन है प्लेन सरफेस से कैसे होगा, कर्व्ड सरफेस से कैसे होगा, फिर मल्टीपल मतलब दो सरफेस आ गई है, जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना, दो अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्शन कराया था अपन ने, दो स्फेरिकल सरफेस भी हो सकती थी या फिर प्लेन भी हो सकती, तो ऐसे यहाँ पे भी है, दो प्लेन भी हो सकती है और दो कर्व्ड सरफेस भी हो सकती है, तो ये सारा रिफ्लेक्शन में अपन को पढ़ना है। ठीक है, वैसे रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक बेसिक आपने टेंथ में भी पढ़ के आए हो, टेंथ में भी रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्शन के बारे में होता है, तो मैं बेसिक डेफिनेशंस बता देता हूँ क्या है। देखो मैंने बोर्ड पे सारा लिख दिया है, तो पहला तो क्या है, देखो रिफ्लेक्शन में अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक उसका स्पीड चेंज हो जाता है। आपको पता होगा जो लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में होता है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, और अगर लाइट रे डेंसर मीडियम में चली जाती है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब कितना कम होता है वो भी आगे आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, सिंपली अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, इसी को अपन रिफ्लेक्शन बोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा कोई बुक्स में डेफिनेशन ऐसे लिखा होता है, लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। वो डेफिनेशन भी सही है, पर हर मतलब उसमें एक केस, अगर इंसिडेंस एंगल को मैं जीरो ले लूं ना तो फिर वो डेविएट नहीं होती। देखो जैसे डायग्राम के थ्रू बताता हूं, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, यहां पे अगर ये जैसे यहां से क्या है, यहां मीडियम, ये वाला मीडियम वन आ गया, ये वाला मीडियम टू आ गया, अगर लाइट रे ऐसे जा रही होगी तो फिर ये एज इट इज ऐसे आगे निकल जाएगी। अब ये क्यों निकल रही है, ये तो भी आगे अपन स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, पहला डेफिनेशन तो लिख दिया क्या, कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी उसको रिफ्लेक्शन बोल दिया। अगर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। क्यों डेविएट होगी, क्योंकि उसका स्पीड वगैरह चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज होने पे स्पीड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, आई, आई जो है ना मैंने यहाँ लिख दिया है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रैकेट में आई लिख दिया, मतलब ये जो जैसे रिफ्लेक्शन में अपन ने आई लिखा था ना हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई लिखेंगे अपन। ठीक है, इफ आई जीरो मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, देन इट गोज टू द सेकंड मीडियम विदाउट बेंडिंग। ठीक है, एज इट इज चली जाती है लाइट रे। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम बना रखा है मैंने, ये लाइट रे यहाँ से आई तो एज इट इज नीचे चली जाएगी है, इसमें क्या होगा, इसमें अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं हुई रे, तो वो वाली डेफिनेशन इस केस में गलत हो जाएगी। जो डेफिनेशन ऐसे लिखा होता है ना कोई बुक्स में लिखा होता है कि रिफ्रेक्शन क्या है, लाइट का मीडियम, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से चेंज हो जाना, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना, तो इसमें तो डेविएट हो ही नहीं रही, मीडियम भी चेंज हो गया एक मीडियम से दूसरा मीडियम, अब यहां से यहां आ गई लाइट तो स्पीड भी चेंज हो गई होगी। ठीक है, फिर भी इसको रिफ्रेक्शन बोला जाता है। अगर वो वाली डेफिनेशन लिखना है तो ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट जीरो, आई आई ये वाला जीरो एंगल को एक्सेप्ट कर दे तो वो डेफिनेशन भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, आई इक्वल टू जीरो होगा तो विदाउट डेविएशन एज इट इज निकल जाएगी, बट उसको भी रिफ्रेक्शन तो बोला ही जाता है। ठीक है, अब एक टर्म आती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आपको पता है सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड होता है वैक्यूम में, मतलब ऊपर तो लिखना है ज्यादा वाला स्पीड और नीचे मीडियम में स्पीड कम ही होगा, इसका मतलब ये जो n है n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। यहां ये भी लिख देता हूं n, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में n ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर मान लो ये ऊपर वाला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तो फिक्स क्वांटिटी होगी क्या, वैक्यूम में तो स्पीड आपको पता ही होगा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है लाइट का स्पीड, और स्पीड ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर मीडियम ऐसा मीडियम है जहां पे स्पीड ज्यादा है, ज्यादा स्पीड होगी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऐसे मीडियम को बोला जाता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या, वहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका, उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम।
अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए एक टर्म ये वाले नोटेशन यूज किया जाता है, अब यहाँ लिखा है n21 या फिर इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है n2 और 1 यहाँ पहले लिख दिया 1 n2 या n21, इसका मतलब होता है n2/n1। इसका मतलब क्या है देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर इसको रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोला जा सकता है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, या फिर सिंपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 हो गया। इसको n21 भी लिख दिया, n2/n1 है उसको n21 या 1n2, ठीक है, ये इसको n21 को n2-n1 नहीं लिख देना, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में लिखते हैं ना अपन, n2-n1 ऐसा नहीं लिखना है जैसा अपन रिलेटिव वेलोसिटी में लिखते हैं, बट डेफिनेशन तो उसी टाइप का है, ठीक है, तो इसको रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी बोला जा सकता है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये रिफ्रेक्शन के बारे में जनरल थ्योरी हो गई अपने पास। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन पढ़ते हैं, देखो जैसे अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे सेम पैटर्न पे ये भी है, फर्स्ट लॉ तो एज इट इज वैसा ही सेम, देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कौन से पॉइंट पे खींचना है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, ये तीनों क्या होंगे सेम प्लेन होंगे। देखो डायग्राम से बना देता हूं मैं, मान लो यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ वाला मीडियम है फर्स्ट ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम 2 है, और नीचे वाला जो मीडियम है ये डेंसर है, डैश डैश लगा दिया मैंने, ये मीडियम जो है डेंसर मीडियम आ गया, ऊपर वाला मीडियम जो है रेरर मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम 1 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने n1 मान लिया, n1 क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। अब क्या होगा अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे ड्रॉ कर देता हूँ, देखो इंसिडेंट रे अगर कोई ये मान लो ये इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है, इसको बोल दिया इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे अब मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये आ गया नॉर्मल डैश डैश लगा के, जैसे प्लेन मिरर में करते थे ना उसी टाइप से ये नॉर्मल आ गया। अब ये जो रे है यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, और मुझे पढ़ना क्या है कि ओनली रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो दूसरे मीडियम की बात करेंगे, इधर वाले मीडियम में आएगी वो तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे, और ये वाला एंगल को बोला जाता है आई, आई क्या है देखो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसको आई बोल दिया, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट रे लिख भी देता हूँ इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल आ गया इस पॉइंट पे। अब ये रे जो है डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम में जाने पे अब ये रे कैसे जाएगी, देखो एक्चुअल पाथ पे तो नहीं जाएगी, अभी एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी, अब किधर डेविएट होगी अगला लॉ से समझ आएगा। देखो सेकंड लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है n1 sin i, n क्या है पहले रिफ्लेक्ट पहले मीडियम जो भी मीडियम उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, sin i, i क्या है उस वाले मीडियम में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब दूसरे मीडियम में आने पे क्या होगा, n2, ये n2 मीडियम डेंसर हो गया क्या, मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ गई क्या, ये वाली वैल्यू बढ़ गई तो r कम होना चाहिए, r कम होगा तो ये नॉर्मल के पास आ गई है, ठीक है, इस टाइप से ये रे जो है यहां आ गई, ये वाले एंगल को बोल दिया अपन ने कितना r, r का मतलब कौन सा एंगल हो गया, r जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रिफ्रेक्टेड रे, इसको बोल दिया रिफ्रेक्टेड रे, ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ना इसका नॉर्मल से कितना एंगल, अभी नीचे लिखा भी देखो, तो ये क्या आ गया n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, और ये मिला के सब कुछ क्या होता है कांस्टेंट होता है। अच्छा इसको ऐसा भी लिखा होता है बुक्स में sin i / sin r, ठीक है, यहां से इसको हटाओ sin i / sin r, तो ये n2 ये n1 ही आ जाएगा, तो n2/n1, इसको मैंने भी रिलेटिवली लिख सकता हूं n2/1, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो यहां से डेफिनेशन लिख देते हैं, जरा एनसीईआरटी में इस टाइप का डेफिनेशन लिखा है, रेशियो ऑफ दी sin i / sin r क्या आ गया कांस्टेंट, तो रेशियो ऑफ साइन, ये साइन में ई भी लगाना है, ठीक है, साइन ये पूरा उसका फुल फॉर्म है साइन का, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या आई, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कांस्टेंट, मींस साइन आई / साइन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये इसको रटने की जरूरत नहीं, आप भी अपने अकॉर्डिंग ये लैंग्वेज और भी लैंग्वेज और डेफिनेशन बना सकते हो। आई एंड आर क्या है, आई एंड आर जो है आर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रेक्टेड रे विद द नॉर्मल, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे का कितना कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो n21 greater than 1 आ जाए, इफ n21 greater than 1, ठीक है, n21 ये वाली क्वांटिटी क्या, अगर n21 greater than 1 आ गया, अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन 1 आ गई मतलब i का वैल्यू ज्यादा होगा r का वैल्यू कम होगा, देन i greater than r,
ठीक है, ये एन टू अपन एन टू वन ग्रेटर देन वन है, मतलब एन टू बड़ा होगा एन वन छोटा होगा, एन टू बड़ा है मतलब आई ऊपर वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है, आई ग्रेटर देन आर मींस रिफ्रेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब ये वाला डायग्राम देखा ना अभी अपन ने, ये जो है रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल की तरह टुवर्ड्स नॉर्मल की डायरेक्शन में बेंड हो गए, ठीक है। इन सच केस मीडियम टू इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम वन, मतलब यहाँ मीडियम टू क्या है, मीडियम वन के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है, या सिंपली डेंसर भी बोल सकते हैं। अब इसी का रिवर्स भी कर दूंगा, यहाँ लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा, मैं क्या लिख दूंगी, इन सच केस मीडियम वन इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम टू, या तो ऐसा लिख दो, या फिर अगर मीडियम को चेंज नहीं करते तो इसको डेंसर की जगह रेयर कर देना, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बड़े इजी है, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये जो है रिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन को अपन तीन लेक्चर तक पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आउटलाइन में बताया था, ठीक है। और जो आज फर्स्ट लेक्चर जो रिफ्रेक्शन का पढ़ रहे हैं, पूरा मैं इसमें एनसीईआरटी का जितना भी रिफ्रेक्शन वाला पार्ट है ना उतना कवर कर दूंगा एनसीईआरटी वाला। दूसरे लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट समझेंगे जो जेईई और नीट में होंगे। उसके बाद जो लेक्चर थर्ड होगा उसमें पूरा उसमें जो है थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन प्लस एडवांस के लिए काम करेंगे, जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। तो लेक्चर वन को ध्यान से समझना है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा बोर्ड के लिए एक एक टर्म इंपोर्टेंट है ये जो आज वाला लेक्चर है, ठीक है ना, और इजी इजी चलेगा पूरा लेक्चर वन में, ठीक। तो ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेविएशन, जैसे पहले पढ़ा था ना डेविएशन इन रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में डेविएशन कितना आता है ये समझ लेते हैं। तो देखो आप डेविएशन के बारे में समझ लेते हैं, पर डेविएशन क्या है, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण कितना डेविएशन आएगा समझ लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना लिया, और इधर वाला जो है ये वाला मीडियम रेयर मीडियम है और नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीन्स पहला वाला जहाँ पे इंसिडेंट होगा ना, ध्यान रखना मैं ज्यादातर जो है एन वन जो है इंसिडेंट मीडियम को लूंगा, ये वाला मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आएगा, रेयर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आएगा। अब यहाँ से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना एन टू, अब एन वन एन टू में ज्यादा कौन होगा, जो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंसर कौन है एन टू। तो अब देखो यहाँ क्या स्नेल्स लॉ लिख देता हूँ मैं, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। अच्छा स्नेल्स लॉ मैं बोलता हूँ हमेशा इस फॉर्म में याद रखो, डिवाइड वाली फॉर्म में याद नहीं रखना आपको, यही वाली फॉर्मेट में याद रखना है स्नेल्स लॉ, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू क्या होगी आपको पता है, कॉन्स्टेंट, जैसा कि मैंने लिखा था आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एन वन एन टू में बड़ा कौन होने वाला है, डेंसर मीडियम में, तो एन टू जो है यहाँ पे जो है एन वन का वैल्यू क्या हो जाएगा लेस देन एन टू। अब इन दोनों का सम कांस्टेंट रखना है मुझे, ये एन वन साइन है इक्वल टू एन टू साइन आर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट होगा अगर एन वन का वैल्यू कम है तो आई ज्यादा होना चाहिए, एन टू का वैल्यू अगर डेंसर मीडियम एन टू का वैल्यू ज्यादा होगा ना तो आर का वैल्यू कम होगा, और आर का वैल्यू कम होगा तो ये वाली रे किधर चली जाएगी, डेंसर मीडियम में जाने पर नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी। अब ये नॉर्मल के पास तो आ गई, अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं डेविएशन देखूं तो डेविएशन कितना आया देखो, अगर ये ओरिजिनल रे यहाँ पे रिफ्रेक्शन नहीं होता, ये चेंज नहीं होता मीडियम, तो ये वाली रे इस टाइप से जा रही होती है, और इस टाइप से अगर ये रे जा रही होती तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल कितना होता आई, इसका मतलब ये जो है डेविएशन कौन सी डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई ना, और डेविएशन देखो तो कितना आ रहा है यहाँ से, जो डेविएशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना आ गया आई माइनस आर आ गई थे, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एंगल तो आई है, यहाँ से यहाँ तक तो आई है, ये आर हो गया, तो जो डेविएशन का वैल्यू आ गया, डेविएशन का फॉर्मूला जो लिखते हैं, डेविएशन आ गया कितना आई माइनस आर, डायरेक्शन देखो तो ये आ गया क्लॉकवाइज, ये तो कब हुआ जब रेयर से डेंसर में आ रही थी। अब अगर मैं दूसरा वाला सिचुएशन देख ले तो ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो जाए, ऊपर वाला मीडियम अपना डेंसर हो गया, ऊपर वाला मीडियम डेंसर हो गया, इसको एन वन नाम दे दो, नीचे वाला मीडियम रेयर हो गया, नीचे वाला मीडियम रेयर है उसको नाम दे दिया मैंने क्या एन टू, ये इंसिडेंट रे आ गया, अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब अगेन देखो क्या एन वन एन टू में ज्यादा कौन होगा, ऊपर वाला मीडियम डेंसर है तो ऑब्वियसली एन टू का जो वैल्यू है एन वन का वैल्यू जो है एन टू से ज्यादा आएगा क्योंकि डेंसर मीडियम है क्या ऊपर वाला। अब ये वाला जो एंगल आई है ना, ये एंगल आई आ गया, अब अगर एन वन ज्यादा है, एन वन का वैल्यू ज्यादा है तो आई को कम होना पड़ेगा आर के कंपैरिजन में, ठीक है। एन टू का वैल्यू क्या है कम है ना, एन टू का वैल्यू कम है तो आर को ज्यादा कर दो, अगर मैं आर टू को ज्यादा कर दूं तो ये वाली रे जो है आर को ज्यादा करते ये वाली रे जो है रिफ्लेक्शन रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो आपने एक लाइन राइट रखी होगी टेंथ में क्या, कि जब इंसिडेंट रे जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है,
और डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, वो मैंने यहाँ से मैथमेटिकली भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब डेविएशन भी देख लेते हैं जरा, डेविएशन कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे रिफ्रेक्शन नहीं होता तो लाइट रे कैसे चली जाती, ऐसे चली जाती है। अब पहले तो मैं एंगल आर बना देता हूँ, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का तो एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। आई एंगल यहाँ से यहाँ तक है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो आई के बराबर है। तो यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है इस सिचुएशन में देखो, तो अगेन जो डेविएशन है यहाँ से ये वाला डेविएशन आ गया, जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ गया देखो, डेविएशन को मैं बता देता हूँ, डेविएशन का जो है ये यहाँ से यहाँ तक डेविएशन आ गया, कितना आ गया ये आर माइनस आई आ गया। और जो डेविएशन आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये नहीं उल्टा लिख दिया हमने, डायरेक्शन जो है यहाँ पे एरो इस टाइप से बना दूंगा, ठीक है। ये डेविएशन उस डायरेक्शन और इतना लिया था ना इधर से बाहर, तो ये डेविएशन हो गया कितना एंटी क्लॉक वाइज। तो इस टाइप से आप जो है डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हो कितना डेविएशन होगा। अगर देखोगे तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज को भूल जाओ आप, तो क्या करना है डेविएशन हमेशा क्या लिख देना है मोड आई माइनस आर, ठीक है। आई माइनस आर मोड, अब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज आप देख लेना कौन सी डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा आप सोल्व करना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, ऊपर एयर है और यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये रे जो है यहाँ से ये एंगल पे आ रही है, कितने एंगल पे आ रही है, ये आ रही है 53 डिग्री पे, यहाँ नीचे पानी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, एयर के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, एयर के बारे में अभी इस क्वेश्चन में तो मैं लिख देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना नहीं लिखूंगा। एयर के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 कंसीडर कर लेना। पानी के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एवरेज होता है 4/3 ऑन एन एवरेज, तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको जो है पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कितना एयर का 1 होता है, वैक्यूम का तो परफेक्ट 1, एयर का अप्रोक्स 1, पानी का 4/3, ग्लास का 3/2। ग्लास का भी लिख देता हूं इधर, कभी आगे ग्लास का भी काम आएगा, तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी मैं नहीं लिखूंगा, आपको 3/2 कंसिडर कर लेना है, ठीक है। ग्लास के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना मान लो ऑन एन एवरेज 3/2, पानी का कितना 4/3, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कभी कभी, एयर का कितना मान लेना है 1, वैक्यूम का तो परफेक्ट 1 होता ही है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एंड डेविएशन, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट है। तो जरा कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सोल्व कर देता हूं मैं लगाता। दो क्या है, स्नेल्स जो लगा दिया आपने, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, ठीक है। N1 एयर है तो 1 आ गया, N1 होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, ये इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1, N1 याद रखना, N1 जो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम, N2 क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्टिव मीडियम, रिफ्रेक्टिव मतलब रिफ्रेक्शन के बाद जो दूसरा मीडियम है। अब यहाँ एंगल क्या लिखूंगा मैं, साइन 53 डिग्री इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना लिख दिया 4/3 साइन आर। अब आपको पता होना चाहिए साइन 53 का वैल्यू कितना होता है, साइन 53 का वैल्यू 4/5, 4/3 साइन आर, 4 ने 4 को मार दिया गया तो साइन आर कितना आ गया 3/5, तो आर कितना आ गया 37 डिग्री। अभी एंगल आपको अगर किसी को नहीं पता है कि ये 53 या फिर 37 कैसे आ जाते हैं तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी किस टाइप से होता है। देखो एक ट्राइंगल आपको याद रखना होगा, यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बना के, एक ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल, ये एंगल अगर मान लो 37 है, ये 90 डिग्री है तो ये 53 हो गया, अगर ये एंगल 53 है ये 3 होगा, ये 5, ये 4, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद रखो आप। अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना साइन 53, साइन 53 मतलब ये वाला एंगल थीटा कंसिडर करोगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया क्या, तो साइन 53 कितना हो गया 4/5। अब यहाँ 3/5 आ रहा था क्या, देखो यहाँ साइन 37 का वैल्यू थीटा ही कंसिडर करोगे क्या, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5 आ गया क्या, तो आर कितना आ गया 3/5, पहला आंसर तो आ गया। अब मैं यहाँ ड्रॉ करके देखता हूँ जरा, ये मैंने नॉर्मल को आगे बढ़ा दिया, अब आपको यहाँ से देखने पर पता लग रहा है ना रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रे इधर आ गई होगी क्या, एक्चुअल पाथ ये आ गई है। अब ये वाला एंगल तो कितना होगा 53 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री, मतलब जो डेविएशन देखूं तो डेविएशन आ गया क्लॉकवाइज में, कितना आ रहा है देखो डेविएशन, डेविएशन जो है 53 डिग्री
माइनस 37 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से 53 माइनस 37 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 53 माइनस 37 को जरा 16 डिग्री आएंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इतना डेविएशन आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का इजी क्वेश्चन है डेविएशन का, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है। यहां और भी मीडियम दिए जा सकते हैं, सेंटेंस को लगाना है बस आपको। N1 क्या है, N1 N2 के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। N1 जो है इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, N2 जो है दूसरा मीडियम जो रिफ्रेक्शन के बाद आया है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो डेविएशन वाला अपने को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखो क्या है, पहला मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां एयर है, ये कोई एक मीडियम है, ग्लास स्लैब है, और यहां जो ये नॉर्मल से कितने एंगल पर रहा है, 45 डिग्री पे। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जो है इस ग्लास स्लैब के अंदर कितना टाइम गुजारा होगा इसने, वो टाइम कैलकुलेट करना है। टू पास थ्रू 4 mm थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √2। अब यहां ग्लास स्लैब लिखा है मैंने, पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने √2 लिख दिया है ना, तो आपको √2 या तो इसको ग्लास स्लैब हटा, ग्लास हटा देते हैं, ठीक है ना। थिक स्लैब ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √2, मतलब इस वाले स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना कंसीडर कर लेना आपको, √2। इसके अंदर इस लाइट रे ने कितना टाइम गुजारा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर वीडियो पॉज करो, और जब सॉल्यूशन करूंगा तो यही वाले डायग्राम में नहीं करना, अगला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देखो क्या, तो क्वेश्चन सॉल्व करते देखो। पहले तो मैं स्नेल्स लॉ लिख लूं क्या, स्नेल्स लॉ देखो, स्नेल्स लॉ क्या लिख दिया आपने, N1 sin I equal to N2 sin R। N1 कितना आ गया, एयर है तो 1, sin 45 equal to √2 sin R, तो यहां कितना आ गया √2 sin R, sin 45 का वैल्यू 1/√2, सॉरी 1/√2 sin R, ठीक है। तो यहां से चेक करूंगा तो sin R का वैल्यू कितना आ गया, देखो sin R का जो वैल्यू आ रहा है 1/2 आ गया, √2 मल्टीप्लाई होगा, तो R का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, R का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये रे जो है यहां से इस टाइप से आ गई होगी, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। आपको अलग डायग्राम बनाना है क्वेश्चन के अलावा, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे यहां से यहां तक की थिकनेस दिया हुआ है कितना, 4 मिलीमीटर, ये तो 4 मिलीमीटर हो गए, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कितनी देर तक रही होगी। अब मुझे इसके अंदर का स्पीड कितना होगा, ये जो मीडियम है, ये ग्लास स्लैब है, इसका मीडियम √2 है, तो इसके अंदर का स्पीड कैसे निकालूंगा, स्पीड का जो फॉर्मूला है c v = c/n, या c तो c/n, n जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, c/v, तो मैं यहां v से क्या लिख सकता हूं, c/n, तो c कितना होता है 3 × 10^8 / ये √2 आ गया, ये √2 लिख लिया मैंने, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब मैं टाइम निकालना है मुझे, तो टाइम को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देता हूँ, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम कितना आ गया देखो, अब डिस्टेंस कितना चला। अब एक चीज ध्यान रखना, ये डिस्टेंस बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, कितना लिख लेंगे 4 mm, तो एक बार ये डायरेक्ट ऐसे थोड़ी आया 4 mm थोड़ी चला, ये वाली डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस है ना, ये 4 mm नहीं होगी। अब ये डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, तो पहले तो डिस्टेंस की कैलकुलेशन करता हूँ, स्पीड तो पता लग जाएगी क्या, c/√2, ठीक है, c/n लिख दूं या c/n लिख दूं, ठीक है। तो स्पीड तो आ गई, अब जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस अगर मैं d मान लूं, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूं, पहले डिस्टेंस की कैलकुलेशन करता हूं। मैं sin 30 लिख लूंगा, sin 30 का वैल्यू कितना होगा देखो, सॉरी sin 30 लिखने से नहीं आएगा, cos 30 लिखना होगा, cos 30 क्या हो गया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में बेस मींस 4 mm / d, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 4 mm / d, तो d कितना आ गया देखो 8/√3 mm, ये तो डिस्टेंस d आ गई है। अब मुझे तो क्या पता करना है, टाइम पता करना है, तो टाइम क्या लिख दूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां लिख लेता हूं मैं टाइम, तो टाइम कितना आ गया देखो, डिस्टेंस कितनी आ गई, टाइम जो आएगा डिस्टेंस आ गई कितनी आपके पास 8/√3 / स्पीड कितना आ गया 3 × 10^8 / √2, तो ये टाइम आ जाएगा कितना √2/3, तो ये आ गया × 8/3 × 10^-8, ये यूनिट होगा, यहां से गड़बड़ कर दिया, मिलीमीटर में ना, मिलीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 × 10^-3 भी आएगा,
ठीक है, तो 10^-3 तो ये रहा, और 10^-8 ये रहा, तो 10^-11 सेकंड आंसर होगा। ठीक है, आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, रैंडम क्वेश्चन था तो इसी टाइप से आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालो। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को निकालना पड़ रहा है मुझे, ये वाली स्लैंट वाली डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 4 मिलीमीटर का थिकनेस। दूसरा आपको ये पता करना है यहाँ इस मीडियम में स्पीड कितना होगा। इस मीडियम में स्पीड तो डायरेक्ट सी बाई एन से लिख सकता हूँ, स्पीड कम हो गई होगी सी से, तो ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख के अपन ने आंसर कैलकुलेट कर लिया है। अगला क्वेश्चन सोल्व करता है। देखो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ये मीडियम वन है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, मीडियम टू में रे आ रही है वहां पे कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री हो गया। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, पहला मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, जबकि दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कितना दिया है सी बाई थ्री। क्वेश्चन सोल्व करो, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर सोल्व करो, वीडियो पॉज करके मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, देखो n1 sin 9 = n2 sin r। n1 ये वाला मीडियम को n1 मान लिया, ये वाले मीडियम को n2 मान लिया, तो n1 मीडियम वन में तो मुझे स्पीड चाहिए क्या, उसको c अपॉन v1 लिख लूँ क्या। यहाँ लिख लिया मैंने sin 45 डिग्री। अच्छा मैंने अभी आपको बताया भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c अपॉन v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिखा था ना, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो सी बाई वी वन तो यहाँ ऐसे आप क्या लिख लिया मैंने सी बाई वी टू सेकेंड वाले मीडियम में। ठीक है, इंटू साइन आर का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, सी से सी तो गायब हो गए, तो यहाँ आ गया 1/V1 sin 45 का वैल्यू 1/√2 = सी तो गायब हो गया 1/V2 का वैल्यू कितना दिया मीडियम टू में लाइट स्पीड सी बाई थ्री। ये जो सी है ना, सी कुछ नहीं बोला है, मतलब ये सी जो होगा ना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो वी वन कितना आ गया, देखो तो यहाँ सोल्व कर देता हूँ, ये तो आ गया 1/√2V1 = √3/√3 √3/2C, तो V1 कितना आ गया देखो, यहाँ से आप √2 कैंसिल कर दोगे तो √2 यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ √2 आ जाएगा ना, तो √2/3 यहाँ C और 1/3 और यहाँ डिवाइड में आएगा, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, जो मीडियम टू में स्पीड पूछा है ना वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है तो क्वेश्चन देखते हैं जना। एक होलो स्फीयर है पूरा, सॉरी सॉलिड स्फीयर है, रेड कलर से मैंने डायग्राम दिखाया है। ठीक है, अब आपको क्या क्या पता करना है, लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्फीयर एट एन एंगल 60 डिग्री। ये लाइट रे कितने एंगल पे आ रही, 60 डिग्री पे आ रही है यहाँ से। ठीक है, बाहर मीडियम जो है एयर कंसिडर कर लेना, एयर कंसिडर कर लेना। ठीक है, इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना, फाइंड आर वन आर टू एंड ई। ये वाला एंगल जो पहला वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर वन, दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आर टू, और सेकंड वाली सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई। ठीक है, इस टाइप से है, और टोटल डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो मीडियम है रेड कलर वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 कंसिडर कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करो जब क्वेश्चन, यही डायग्राम में गड़बड़ मत करना फिर बोल रहा हूँ मैं, वरना आपके नोट्स खराब होते चले जाएंगे। तो सोल्व करना शुरू करता हूँ मैं। देखो पहले जो है इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे ये पॉइंट है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ए नाम देने की जरूरत नहीं, रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, देखो जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है ना वहां से मैं स्लो लिखता हूँ, n1 sin i = n2 sin, यहाँ r है n1 sin i = n2 sin r, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया sin i, तो ये आ गया sin 60, n2 मतलब ये हो गया √3, और sin यहाँ r1 आ गया, r1 मतलब ये जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन आया ना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 नाम दिया मैंने डायग्राम में, आप देखो sin r का वैल्यू कितना है, sin 60 का वैल्यू √3/2 √3 sin r1, √3 ने √3 को मार दिया गया, तो sin r1 कितना बचा 1/2। अब आपको पता होगा ये तो वैल्यू सबको ही पता होती है, sin थीटा अगर 1/2 तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो पहला आंसर तो आ गया
आर वन इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं आर टू निकालने के लिए क्या करता हूँ, सेकंड रिफ्रेक्शन लगाता हूँ। तो सेकंड रिफ्रेक्शन लगाने से पहले मेरे को आर टू की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आर टू कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं ये वाला डायग्राम देखूँ, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाली टर्म यहाँ से यहाँ तक सेंटर, ये सेंटर है ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखे मैंने डैश डैश लगा के। ये वाली लाइन जो है नॉर्मल है और ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, मतलब अगर सेंटर से देखो तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और ये वाला पॉइंट, दोनों ये रेडियस है क्या, मतलब ये ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होगी, मतलब जो आर टू एंगल है वो भी किसके बराबर होगा, आर वन के। तो वो एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। तो आर वन आर टू तो इजीली आ गए। अब ई कैलकुलेट करने के लिए मैं वापस अगेन क्या करता हूँ, स्नैप्स रूल लगाता हूँ। तो सेकंड सर्फेस पर रिफ्रेक्शन लगाता हूँ, तो सेकंड रिफ्रेक्शन देखो क्या होगा, सेकंड रिफ्रेक्शन कितना आ गया, देखो सेकंड रिफ्रेक्शन में मैं लिख लेता हूँ एन वन साइन आई एन टू साइन आर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है अपना, एन वन मतलब इंसिडेंट मीडियम ठीक है, इंसिडेंट मीडियम यहाँ इस पॉइंट पे इंसिडेंट मीडियम कौन हो जाएगा, रूट थ्री। ऐसा नहीं सर आपने पहले तो एन वन का वैल्यू वन ले लिया, अब एन वन का वैल्यू रूट थ्री ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। अरे एन वन क्या है, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे इंसिडेंट मीडियम कौन था, एयर, यहाँ इंसिडेंट मीडियम कौन है, ये रेड वाला मीडियम जो है ठीक है। तो रूट थ्री साइन, यहाँ आई वन की जगह लिखना होगा आर टू, एन टू की जगह लिखना होगा वन साइन, ये आर की जगह ई लिख दिया। तो रूट थ्री आर टू का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री वन साइन ई ठीक है। तो रूट थ्री वन बाई टू साइन ई, मतलब ई का वैल्यू कितना आ गया, साइन ई रूट थ्री बाई टू आ रहा है, तो ई कितना आ गया 60 डिग्री ठीक है। तो ये आंसर भी आ गया क्या आपका, तो आपका आंसर क्या क्या हो गया, आर वन कैलकुलेट कर लिया, आर टू कैलकुलेट कर लिया, ई कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट करता हूँ, टोटल डिवीजन, टोटल डिवीजन सॉल्व करना है। तो दो बार डिवीजन हो रहा है, तो पहला वाला डिवीजन देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में, देखो पहला यहाँ वाला डिवीजन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला, ये नहीं इधर जा रही होती तो ये एंगल ऑफ डिवीजन आ गया, तो ये आ रहा है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई है। और डिवीजन कितना लिख दोगे, डेल वन, डेल वन यही लिख देता हूँ मैं पहले रिफ्लेक्शन में ठीक है। डेल वन कितना आ जाएगा, आई माइनस आर वन मोड, मोड मतलब तो मैग्नीट्यूड हो गया, और फिर क्लॉक वाइज लिख लिया अपन। अब आई माइनस आर वन कितना आ गया, देखो आई कितना है 60 माइनस 30 क्लॉक वाइज, तो पहला आंसर तो आ गया 60 डिग्री क्लॉक वाइज। अब दूसरा डिवीजन या सेकंड रिफ्रेक्शन में भी देख लेता हूँ जरा क्या होगा, ये लाइट रे जो है ऐसे जा रही थी, एज इट इज ऐसे चली जाती है, वापस यही डायरेक्शन क्लॉक वाइज हो गई है। तो डिवीजन कितना हो जाएगा आगे, मोड आई माइनस आर लिखता हूँ ना, तो यहाँ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कितना आ गया 30 डिग्री माइनस रिफ्रेक्शन 60, पर मोड ले लेना है ये ठीक है। तो मोड लिया तो कितना आ गया, डेल टू कितना आ गया, ये भी आ गया 30 डिग्री क्लॉक वाइज। तो नेट डिवीजन कितना आ गया, नेट डिवीजन टोटल डिवीजन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पे नेट डिवीजन बोल दो टोटल डिवीजन बोल दो एक ही बात है। तो टोटल डिवीजन क्या आ गया, टोटल डिवीजन निकालने के लिए डेल वन प्लस डेल टू करोगे, तो डेल वन डेल टू में बड़े यहाँ 30 डिग्री आएगा, डेल वन क्लॉक वाइज, डेल वन क्लॉक वाइज कितना आएगा 30 डिग्री ठीक है। तो 30 प्लस 30 कितना होगा 60 डिग्री, तो नेट डिवीजन आंसर हो जाएगा 30 डिग्री क्लॉक वाइज प्लस 30 डिग्री क्लॉक वाइज, तो नेट आंसर क्या हो गया आपका 60 डिग्री क्लॉक वाइज। इसको डेल नेट लिख देता हूँ या डेल टोटल लिख देता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह रिफ्लेक्शन कौन सी सर्फेस से हो रही है, कर्व सर्फेस से हो रही है, स्फेरिकल सर्फेस से, जैसे अपन ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था ना, तो यहाँ पे भी क्या आ गया है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेस हो गया ठीक है। स्फेरिकल सर्फेस से रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, प्लेन सर्फेस से रिफ्लेक्शन मतलब फ्लैट वाली सर्फेस से रिफ्लेक्शन तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में कर ही लिया। अब ये वाला रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से हो गया, कर्व सरफेस से ठीक है। तो ये तो अपन ने यहाँ पे तो जनरलाइज रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन में एक ही फॉर्मूला याद करना, n1 sin i n2 sin r, n1 n2 में कंफ्यूज नहीं होना। n1 जब आप स्नेल्स लॉ लगा रहे हो तो n1 कौन सा मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम, इंसिडेंट मीडियम का एंगल आई, और ये n1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n1, n2 जो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा मीडियम आ रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और वहां एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर वाला जो फॉर्मूला, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1, फॉर्मूला तो ये भी सही है पर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा है ठीक है। यहां क्या है, इंसिडेंट मीडियम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्टिव मीडियम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना 4-5 क्वेश्चन रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्शन के करें, यहां से आपके थोड़े कांसेप्ट क्लियर हो गए, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं ठीक है। रिफ्रेक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब ठीक है, या फिर इसको लेटरल शिफ्ट भी बोला जाता है ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं जरा, क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे एक मीडियम बना लेता हूँ, ये मैंने एक मीडियम बना लिया ठीक है, ये तो आपका एक मीडियम आ गया, ये रहा इस मीडियम को मैं
इस मीडियम का दिख रहे हैं, लिख लेते हैं कुछ। यहां से यहां तक का जो टी है, ये टी क्या आ गया, थिकनेस ऑफ मीडियम। टी जो मैं लिख देता हूं यहां, टी क्या है, थिकनेस ऑफ मीडियम, क्लियर है, टी तो थिकनेस ऑफ मीडियम आ गया। अब लाइट रे बना लेते हैं जरा, यहां से अगर कोई लाइट रे आ रही है, मान लो ये लाइट रे यहां से इस टाइप से आ रही है, ठीक है, तो लाइट रे इंसिडेंट करा ली मैंने यहाँ पे, इस पॉइंट को नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी यहाँ जो लाइट रे आ रही होगी, ये कुछ न कुछ एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको नाम दे दिया मैंने, या इस दो बार रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ आई वन नाम दे देता हूँ। ये आई वन क्या हो गया, पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना वहां पे इंसिडेंट है। अब यहाँ इधर वाला मीडियम मैंने एयर मान लिया, यहाँ वाला मीडियम क्या मान लेता हूँ मैं, एयर है, इधर वाला मीडियम एयर मान लिया, इधर वाला मीडियम भी एयर मान लिया, और ये जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n मान लिया। n क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मान लेता हूँ, क्योंकि ग्लास लिखूंगा तो फिर 3/2 लिख लोगे आप, ठीक है, तो ग्लास भी कोई भी मीडियम हो सकता है जनरल। अब यहाँ से जब ये लाइट रे आई, ये डिपेंड करेगी मीडियम डेंसर है या रेयर है। अब ये एयर है तो ये मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में, एयर को अपन वैक्यूम मान सकते हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में सब डेंसर ही होता है, ठीक है, तो ये वाली जो रे है यहां से टकरा के है, कैसे चली जाएगी, इस टाइप से चली जाएगी, ये इस टाइप से चली गई मान लो, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन आ गई, ठीक, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल पे आके ये नॉर्मल आ गया, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया डैश डैश वाली लाइन, डैश डैश वाली लाइन क्या है, नॉर्मल आ गई, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, आर वन, आर वन क्यों, पहली बार रिफ्रेक्शन हुआ ना तो ये वाली सरफेस पे, तो आर वन नाम दे दिया। अब ये जो लाइन है, अब यहाँ पे जो सेकंड वाला रिफ्रेक्शन हुआ, ये वाली लाइन को मैंने ऐसे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, सेकंड सरफेस पे नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको मैंने नाम दे दिया क्या, आई टू, दूसरी वाली सरफेस पे, ठीक है। अब यहां से अगेन ये डेंसर है, इधर एयर है, क्या इधर एयर है, तो ये वाला जो मीडियम होगा ये लाइट रे इधर ऐसे चली गई, ठीक है, तो ये लाइट रे ऐसे चली गई, ये वाले एंगल को नाम दे दिया अपन ने आर टू, ठीक है। सेकंड रिफ्लेक्शन और फर्स्ट रिफ्लेक्शन दोनों रिफ्लेक्शन लगा देते हैं। अब पहला रिफ्लेक्शन लगाता हूं मैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, देखते जाना क्या आता है आंसर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से क्या आंसर आ रहा है, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। अब एन वन तो क्या हो गया, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो वन हो गया। अभी मैं लिखता हूं साइन आई वन इक्वल टू, यहां कितना आ गया, एन साइन आर वन, ठीक है, तो पहला रिफ्रेक्शन आ गया। अब सेकंड वाला रिफ्रेक्शन भी लगा लेता हूं, सेकंड वाला रिफ्रेक्शन क्या होगा देखो, अब सेकंड रिफ्रेक्शन लगाने से पहले एक चीज देखो जरा, ये वाला जो आर वन एंगल है, आर वन और आई टू एंगल बराबर बराबर होंगे क्या, आर वन एंगल किसके बराबर होगा, आई टू के, अल्टरनेट एंगल बन रहे जेड शेप के। अब देखो सेकंड रिफ्लेक्शन लगाता हूं मैं, सेकंड रिफ्लेक्शन क्या हो गया देखो, सेकंड रिफ्लेक्शन तो एन वन साइन आई एन टू साइन आर। अब सेकंड रिफ्लेक्शन में देखना इंसिडेंट मीडियम कौन हो गया, एन वन क्या हो जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्टिव मीडियम एन साइन आई टू इक्वल टू वन साइन आर टू, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया अल्टरनेट एंगल के कारण ये आई टू की जगह क्या लिखा जा सकता है, आई टू की जगह आर वन लिख सकता हूँ, I2 का वैल्यू किसके बराबर है, R1 के बराबर, और I2 का वैल्यू R1 के बराबर लिखोगे तो n sin R1 equal to 1 sin R2। अब यहां से देखो n sin R1, ये वाली टर्म n sin R1 है क्या, और ये वाली टर्म भी n sin R1 है, यहां वन आ गया, यहां वन आ गया, इसका मतलब I1 और R2 भी बराबर बराबर हो गए, इसका मतलब जो है R2 एंगल भी किसके बराबर हो गया, R2 एंगल भी किसके बराबर हो गया, I1 के बराबर, ठीक है। मतलब ये वाली जो रे आ रही होगी पहली वाली रे R2 और I1 के बराबर हो गए, ये समझ आ गए, मतलब यहाँ से जो रे आ रही है ना, ये वाली रे और ये वाली रे, अब देखो ये R2 एंगल I1 के बराबर है, इसका मतलब ये वर्टिकल से जो एंगल, ये इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये जो I1 वाली लाइन को आगे बढ़ाता हूँ, ये I1 वाली लाइन आगे डैश डैश करके बढ़ा रहा हूँ, देखना अब ये डैश डैश करके आगे बढ़ाने पर ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो, अगर ये पूरा मीडियम वगैरह कुछ नहीं आता तो ये लाइट रे जीटी जैसे ऐसे निकल जाती है, डैश डैश लाइन करो, पर इस मीडियम आगे क्या आने के पर दो बार रिफ्लेक्शन हुआ
और ये जो शिफ्ट हुआ ना इस लाइट रे में, इसी को बोलते जाता है क्या, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट को मैं शॉर्ट में LS लिख देता हूँ। अब मुझे मान लो ये लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशन करना है LS का, तो कैसे होगा? पहले तो यहाँ से समझ लो, अगर ये मीडियम है, इस मीडियम के दोनों साइड का, ये मीडियम के दोनों साइड अगर एयर है, दोनों साइड एयर है, तो ये यहाँ का इंसिडेंट मीडियम, फर्स्ट वाला इंसिडेंट मीडियम और लास्ट वाला जो है रिफ्रेक्ट, फर्स्ट वाला इंसिडेंट एंगल और लास्ट वाला रिफ्रेक्शन वाला एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया। ये तभी होगा जब दोनों साइड का मीडियम सेम हो। अगर दोनों साइड का मीडियम अलग अलग होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ एयर ना हो, कुछ अलग मीडियम होता, तो फिर यहाँ पे ये वन बदल जाता ना, फिर ऐसा नहीं होता। तो अब मैं पहले तो इस लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशन करता हूँ। तो लेटरल शिफ्ट क्या है, देखो यहाँ से लेटरल शिफ्ट का मतलब मुझे ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है क्या? ये वाली डिस्टेंस भी लेटरल शिफ्ट के बराबर होगी क्या? एल एस लिख दिया मैंने, ये एंगल तो 90 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करने के लिए ये वाला ट्राइंगल देख लेता हूँ जरा। इस वाले ट्राइंगल में अगर देखूँ मैं, तो ये वाली डिस्टेंस पता लगाने के लिए पहले मुझे यहाँ से जाके यहाँ तक की डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे आएगी, देखो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, हमने टी थिकनेस दिया हुआ है क्या, तो यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन ए, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम बी दे दिया, और इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को डी, ठीक है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, बी डी। पहले मैं ट्राइंगल एबीसी में देखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में देखूँ तो एबीसी में क्या लिख सकता हूँ, मैंने मुझे ए बी का वैल्यू पता करना है ना, तो साइन, अच्छा पहले मैं लेटरल शिफ्ट देखता हूँ, तो ए बी डी, ए बी डी मुझे लेटरल शिफ्ट पता करना है। तो लेटरल शिफ्ट का पता लगाने के लिए पहले ए बी पता लग जाए। देखो ये ए से डी तो पता नहीं लग पा रहा है, पर ए डी पता लगाया जा सकता है कैसे नहीं कैसे, ठीक है। अब पहले एंगल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन सा एंगल क्या है ए बी डी में। ये वाला एंगल आई वन है ए बी डी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहां से लगा के यहां तक का एंगल, ये हो जाएगा आई वन माइनस आर वन, ठीक है। कैसा है देखो, ये लाइन को बढ़ा दिया, लाइन को बढ़ा दिया, तो यहां तक पूरा एंगल आई वन होता है, और ये आर वन है, तो ये आई वन माइनस आर वन हो गया। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या देख सकता हूँ, देखो अगर मैं लिखता हूँ साइन आई वन माइनस आर वन, तो क्या हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट, या लेटरल शिफ्ट को मैंने लिख दिया बी डी अपॉन ए बी। अब मेरे पास ये जो बी से डी तक की डिस्टेंस है, बी से डी तक की डिस्टेंस, वो लेटरल शिफ्ट के बराबर है। अब आई वन आर वन पता हो, ए बी पता लगा लेंगे। ए बी पता लगाने के लिए मैं ट्राइंगल लिखता हूँ, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अगर मैं कोस आर वन लिख देता हूँ, कोस आर वन का वैल्यू कितना आ गया, देखो कोस आर वन का वैल्यू जो है थिकनेस ये सी ए टू सी, या फिर ऐसे लिख देता हूँ एक लाइन और बढ़ेगी, ए सी अपॉन ए बी, और ए सी का वैल्यू कितना है, देखो ए से सी तक तो थिकनेस के बराबर है अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। अगर मुझे लेटरल शिफ्ट चाहिए ना, तो लेटरल शिफ्ट किसके बराबर है, देखो अब मैं लिख रहा हूँ लेटरल शिफ्ट इक्वल टू, लेटरल शिफ्ट किसके बराबर है, बी डी। अभी बी डी किसके बराबर आ गया, यहाँ वाली लाइन से देखो जरा, ये वाली लाइन से अगर मैं बी डी का वैल्यू निकालूंगा, तो ए बी इंटू साइन आई वन माइनस आर वन, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या लिख दिया, ऊपर वाली इक्वेशन से, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से जो है ए बी का वैल्यू कितना, देखो इसको ऐसे लिख लो, कॉस आर वन इक्वल टू टी अपोन ए बी, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, टी अपोन कॉस आर वन, तो टी अपॉन कोस आर वन यहाँ से लिख लिया ए बी का वैल्यू, इंटू साइन आई वन माइनस आर वन, तो ये लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशन कर लिया अपने। बोर्ड में पूछा जा सकता है, वैसे एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम में ये कैलकुलेशन नहीं है, बस इतना सा बता रखा है डायग्राम में, और ये बता रखा है क्या, दोनों साइड का मीडियम सेम होगा, तो आई वन और आर टू बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। पर ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अगर आपसे कैलकुलेशन करवा लिया जाए, बोर्ड में पूछा जा सकता है बेटी, क्योंकि ये वाला डायग्राम है, तो ये इतना भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने लेटरल शिफ्ट की कैलकुलेशन कर ली, इसको भी मैं नोट लगा के लिख देता हूँ क्या, कि इधर वाला मीडियम सेम होगा, तो इंसिडेंट रे और फाइनल रे, जिसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, ये पैरेलल हो जाएगी कब, जब इस मीडियम के जो दोनों साइड का मीडियम, दोनों साइड एयर हो, या एयर के अलावा और कोई मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। मान लो इधर पानी है, तो इधर भी पानी होना चाहिए, तो इंसिडेंट मीडियम और ये इमर्जेंट इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा उसी को लेटरल शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उसको नोट लगा के लिख देता हूँ, देखो इसको नोट लगा के लिख दिया मैंने क्या,
अभी अपन ने लेटरल शिफ्ट में क्या पढ़ा, अगर इंसिडेंट रे जो स्लैब थी या मीडियम था, मीडियम जो स्लैब थी, मैंने वहां मीडियम और एयर बनाया था क्या, मीडियम था इधर एयर और इधर एयर, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या होगी, दोनों पैरेलल। अभी मीडियम की जगह स्लैब लिख दूं, अगर यहाँ कोई स्लैब हो जनरलाइज कर देते हैं उसको, स्लैब है और उस स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम है, ए स्लैब के इधर वाला मीडियम और इधर वाला मीडियम सेम है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो देखो मैंने लिख दिया इमरजेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इफ द मीडियम ऑन बोथ द साइड ऑफ स्लैब आर सेम। अगर स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम है तो इंसिडेंट इमरजेंट रे पैरेलल हो जाएगी, अगर मीडियम डिफरेंट है ना तो फिर पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, फिर क्या होगा उसमें नहीं जाना। अब देखो क्या डायग्राम बनाया था, देखो मैंने इस टाइप से, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे गया, रिफ्लेक्शन हो गई इस टाइप से, और ये पैरेलल आ गई थी ये, ठीक है, ये दोनों रेस क्या हो गई थी, पैरेलल हो गई। ये मैंने लिख भी दिया, इसमें क्या था, यहाँ एयर हो, यहाँ एयर हो, ये ग्लास स्लैब या मीडियम बना लिया मैंने, या फिर इधर ये ग्लास स्लैब है, इधर का जो भी मीडियम है वही सेम मीडियम, यहाँ जो मीडियम यहाँ का है वही मीडियम यहाँ भी होना चाहिए, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब क्या लिखा है, देयर इज नो डेविएशन इन इमरजेंट रे। अब ये देखो ये जो इमरजेंट रे आई है इसमें कोई डेविएशन थोड़ी है, इसी के एज इट इज, डेविएशन तो तब आता जब ये रहे यहाँ से कुछ ऐसा टिल्ट हो जाती तो कुछ ना कुछ डेविएशन आता, क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज। अब ये रहे तो एज इट इज जैसा ये है इसी के पैरेलल है ना, इसमें कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है, बट इट सफर्स लेटरल शिफ्ट, ठीक है, बट क्या होगा, लेटरल शिफ्ट तो आ ही जाएगा ना, लेटरल शिफ्ट का मतलब ये जो अपना ओरिजिनल पाथ था उससे थोड़ा नीचे आ गई बट उसी के पैरेलल है, तो इसको बोल दिया अपन ने क्या, लेटरल शिफ्ट। तो नोट लगा के लिख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो फाइंड द लेटरल शिफ्ट इन द इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे दी गई है इसमें अपन को क्या कैलकुलेट करना है, लेटरल शिफ्ट। अच्छा मैं बोलूंगा लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला मत याद रखो आप, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्यों नहीं याद रखना, क्योंकि एक तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला याद रखोगे आप तो भूल जाओगे, तो लेटरल शिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, हमेशा स्नेल्स रूल लगा के, ज्योमेट्री लगा के आंसर निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है तो मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें अलग सिचुएशन थी और इसमें अलग सिचुएशन क्या, देखो मैंने स्लैब हॉरिजॉन्टल ले ली, उसमें स्लैब वर्टिकल लिया था, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो मैं स्नेल्स रूल लगाता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करना, एयर दोनों साइड एयर है, ये जो थिकनेस ऑफ मीडियम है वो 10 सेंटीमीटर, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री और मीडियम का जो स्लैब का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 है, ठीक है, तो लेटरल शिफ्ट पता करना है, ये रे जो है कितना एंगल से शिफ्ट हो जाएगी, तो पता करते हैं जरा, आप वीडियो पॉज करो खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, तो मैं सॉल्व करता हूं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, n1 का वैल्यू कितना आ गया, देखो एयर यहां पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए लिखा हूं, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में n1 कितना आ गया 1, साइन 60 का वैल्यू साइन 60 लिख लेता हूं एक बार, साइन 60, n2 कितना आ गया ये √3/2 और साइन r, तो यहां से साइन r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, देखो ये √3/2 है क्या, इसको मैं √3/√2 लिख दूं तो चलेगा, साइन r √2 से √2 गायब हो गया, तो साइन r का वैल्यू कितना आ गया, साइन r का वैल्यू आ गया 1/√2, तो r कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, मतलब यहाँ जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल आएगा 45 डिग्री आ गया, मतलब ये वाली जो रे है ना यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी और ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, अब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, तो ये वाली थोड़ा ऐसे नहीं बनी है, ये इस टाइप से मान लिया, ठीक है, ये आ गई रे, अब जो है यहाँ से ये वापस से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, अब यहाँ से वापस से मैं रिफ्लेक्शन लगाऊंगा तो ये इमरजेंट रे इसी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे भी यही तो एयर है, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। अब मुझे लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या कहूँ, लेटरल शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लेटरल शिफ्ट है क्या, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये वाला भी होगा क्या, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये लेटरल शिफ्ट है क्या, ये भी, तो ये लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशन करते हैं, अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर पता है मुझे, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, ए सी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ऐसी तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दो तो चलेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है ना, तो ये 45 है तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, तो ये 10√2 होगा, ठीक है, अब ए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ वाला जो पॉइंट है ना ए बी सी, इसको नाम दे दिया मैंने, यहाँ वाला जो पॉइंट है ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हटा देता हूँ मैं, डी यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख देता हूँ √3/2, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, तो अब मैं ट्राइंगल ए सी डी में देख लेता हूँ, ट्राइंगल ए सी डी में मुझे लेटरल शिफ्ट का कैलकुलेशन करना है, लेटरल शिफ्ट किसके बराबर है सी डी के बराबर, सी डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं कि सी डी उसमें इन्वॉल्व रहे, अब सी डी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है,
अब ये जो ट्राइंगल है एसीडी में, यह एंगल 90 डिग्री हो गया, यह एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यह एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल पता लगा लूं मैं, यह एंगल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ए से सी तो पता है और लेटरल शिफ्ट पता करना है। यह एंगल कितना हो जाएगा, ये लाइन अगर एजीटी जाती तो 60 डिग्री, 60 माइनस 45 ये 15 डिग्री हो गया, तो साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री इक्वल टू सीडी अपॉन एसी। तो साइन 15 का वैल्यू वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होता है, मैथ्स वालों को तो पता होगा साइन 15 का वैल्यू, मैं लिख देता हूँ, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, साइन 15 लिख दो एजीटी, सीडी सीडी की जगह मैं लेटरल शिफ्ट लिख दूंगी, एसी ए टू सी कितना है, एसएससी कैलकुलेट किया 10√2 तो लेटरल शिफ्ट कितना आ गया, देखो ये √2 से √2 भाग गया 5√3 − 1, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सिंपली 10√2 sin 15 डिग्री। ठीक है, नीट वाले बच्चों को साइन 15 का वैल्यू नहीं पता होगा, वैसे मैंने बेसिक मैथ्स में बता रखा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो ये इस टाइप से आंसर हो जाएगा आपका लेटरल शिफ्ट का। फिर बोल रहा हूँ लेटरल शिफ्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सी ज्योमेट्री है, एक बार रिफ्रेक्शन लगाना है और सिंपल ज्योमेट्री लगाना है, साइन थीटा को सीट आना चाहिए बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो अपना लेटरल शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, तो देखो क्या है क्रिटिकल एंगल एंड TIR, तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल एंड TIR ये समझते हैं जरा। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, मैंने डेफिनेशन पहले लिख दिया, आप हो सके तो डेफिनेशन बाद में लिखना, पहले डायग्राम बना लेना ताकि समझने में इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो क्या है देखो, मान लो यहाँ पे मैंने एक मीडियम बना दिया, ये बाउंड्री बना दी, इस बाउंड्री के जो नीचे है, बाउंड्री के नीचे जो है एक मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, ये बाउंड्री है, ऊपर तो वाला मीडियम कौन सा आ गया रेयर मीडियम, और नीचे वाला मीडियम कौन सा आ गया डेंसर मीडियम। ठीक है, अब अगर मान लो यहां से कोई लाइट रे आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जैसे मान लो यहां से ये कोई लाइट रे आई इस एंगल पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था कुछ आई। ठीक है, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसका मतलब ये लाइट रे किधर जाएगी, ये नॉर्मल की दूरी, ये डैश डैश वाली लाइन क्या है नॉर्मल है, तो नॉर्मल की दूर आएगी, नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर चली गई ये। ठीक है, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली गई, ये एंगल आर जो होगा वो आई से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब इस लाइन को और आगे बढ़ा देता हूँ, अभी बताओ जैसे जैसे मैं इस आई को बढ़ाता जाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों में से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब सोचो जरा पहले कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे मैंने यहां से क्या किया था, अगर इस लाइन को अगर मैं एजीटी अगर ऐसे भेज देता तो ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गई, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस में तो क्या आई जीरो हो गया और आर भी जीरो हो गया, तो ये लाइन एजीटी निकल गई। अब मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे आई बढ़ा रहा हूँ तो आर भी बढ़ रहा है, और डायग्राम से देखने पे आपको पता लग रहा होगा ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है, जैसे इसको आई को मैं थोड़ा सा बढ़ाया तो आर ज्यादा बढ़ गया, मतलब आर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एंगल आई का वैल्यू होगा कुछ न कुछ, आई का कुछ वैल्यू आएगा, उससे पहले ही आर आई का वो वैल्यू, जब आर का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होता है ना इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही थी तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, अगर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल था उसको क्रिटिकल एंगल बोल दिया जाता है, और क्रिटिकल एंगल को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे आई सी। क्लियर है, अब क्रिटिकल एंगल तो पता लग गया आपको, मतलब मैंने क्या किया यहां से, अगर मैं यहां से समझते पहले डायग्राम से, अगर मैं इंसिडेंट एंगल, पहले इंसिडेंट एंगल जीरो था उसको थोड़ा सा बढ़ाया तो आर ज्यादा बढ़ गया, मान लो इसका वैल्यू 5 डिग्री था तो इसका 6, 7, 8 कुछ ज्यादा रहा होगा इससे 5 डिग्री से। ठीक है, तो ये बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये पहली सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में यहाँ पे लाइट जो है ना इस डायरेक्शन में भी आ रही थी, इधर भी आ रही थी, जैसे लेक्चर 1 में अपन ने एक डायग्राम पढ़ाया बताया था हमने, तो ये जो लाइट इधर आ रही है ना इसको तो बोला जाता है रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं रिफ्रेक्शन, या इसको बोल देता हूं रिफ्रेक्टेड रे और रिफ्लेक्ट, ये तो आगे रिफ्रेक्टेड रे और ये आगे क्या रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे आ गई, तो यहां शुरुआत में तो क्या होगा रिफ्रेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ये वाला एंगल तो आई के बराबर ही हो जाएगा, मतलब यहां क्या हो रहा है
थोड़ा तो रिफ्लेक्शन हुआ और थोड़ा रिफ्रेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रेक्शन भी। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, जब मैंने आई को और बढ़ा दिया क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या, वो एंगल जिसके लिए आर वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। तो पहली लाइन देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लाइट, यहाँ पे ये वाली लाइट जो आ रही होगी, ये एंगल हो गया कितना, क्रिटिकल एंगल के बराबर। अगेन ये वाली लाइन तो क्या हो जाएगी, ये तो रिफ्लेक्टेड रे आ गई है, रिफ्लेक्टेड रे आ गई है और ये रिफ्लेक्टेड हो गई, जो रिफ्लेक्टेड है वो क्या हो गई, उसी सरफेस के अलोंग हो गई, ठीक है, रिफ्रेक्शन वाली रे, रिफ्रेक्शन के कारण है, ठीक। अब क्या होगा, यहां भी क्या हुआ, इस वाली सिचुएशन को बोला जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रेक्शन। पर अभी तक अपन रिफ्रेक्शन पढ़ रहे थे तो ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं बना रहे थे, ठीक है। तो यहां वाली सिचुएशन को, जब लाइट रे, लाइट रे क्या होती है, डेंसर मीडियम से आएगी या रेयर मीडियम से आएगी, तो क्या होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन होगा, थोड़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन दोनों होगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। पर अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, ओनली रिफ्लेक्शन। तो मैं ये रिफ्लेक्शन वाली रे नहीं बनाता था। अब देखो और आगे चलते हैं, यहां पे क्या होगा, अगर मैं मान लो जो लाइट रे का ये इंसिडेंट एंगल है, अगर मैं इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दूं, यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है ये क्या कर दिया मैंने, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल जो यहां पे आई है, ये आई एंगल क्या हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया ना, फिर आप क्या लिख सकते हो, यहां पे ये लाइट रे एज इट इज यहां से टकराने के बाद इधर ही आएगी बस, ठीक है, मतलब इसका कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगा, ओनली रिफ्रेक्शन, ओनली ये लाइट रे जो है यहां पे आएगी, ये एंगल आर जिसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई जो क्रिटिकल एंगल। तो इस यहां पे रिफ्रेक्शन नहीं हो रहा है, यहां क्या था, रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यहां पे ओनली रिफ्लेक्शन है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन। तो इसको बोला जाता है टोटल रिफ्लेक्शन या परफेक्ट रिफ्लेक्शन, और उसी को अपन लिख देते हैं TIR, TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रे जो है टोटली वापस उसी मीडियम में आ गए, जबकि यहां पे क्या हो रहा था, यहां इन दोनों डायग्राम में मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रेक्शन, यहां पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो आपको यह समझ में आया होगा TIR क्या है, इन दोनों डायग्राम में क्या है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है। तो मैंने TIR का डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो यहाँ, वेल लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ऐसा TIR होने के लिए लाइट रे को डेंसर मीडियम से ही चलना होगा, मतलब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम ही होना चाहिए। वेल लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, देन लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट बैक इन डेंसर मीडियम, मतलब वापस इंसिडेंट मीडियम में आ जाएगी, इसी को TIR बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये TIR हो गया, 100% रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पार्शियल पार्शियल हो रहे होंगे बाकी केस में, ऐसे इस वाले केस में भी पार्शियली हो रहा होगा, यहाँ से थोड़ा लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके भी आई होगी, उसका डायग्राम में पहले ड्रॉ नहीं किया था, अब कर दे, ठीक है। तो ये TIR है, बोर्ड में पूछा जा सकता है क्रिटिकल एंगल और TIR दोनों का डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1-1 मार्क्स में, क्रिटिकल एंगल का या फिर TIR। अब देखो क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन भी कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। तो क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन क्या, देखो अगर क्रिटिकल एंगल का मैं कैलकुलेशन करूं, तो कैलकुलेशन में आपको यहां लिख देता हूं, आपने पूरा नोट्स लिख लेना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का क्या डेफिनेशन लिखना है, देखो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल को क्या फॉर्मुलाइज करना है, तो स्नेल्स रूल लिखता हूं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब मैं इसके लिए स्नेल्स रूल लगा देता हूं, तो नीचे वाला मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर, तो एन डी लिख दिया मैंने, डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया मैंने, एन डी, और ये क्या मान लिया, एन आर, ठीक है। तो एन डी यहाँ आ गया साइन क्रिटिकल एंगल, एन आर साइन 90 डिग्री। अच्छा यहाँ एयर होगा तो वन लिख लेना, तो साइन क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, देखो साइन क्रिटिकल एंगल रेयरर अपॉन डेंसर। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल एंगल जब भी निकालना हो आपको क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगा लो हमेशा, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा लो, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे एनआर अपॉन एनडी। अच्छा अब आपको ये भी एक चीज और क्लियर हो गई कि ये साइन आईसी का वैल्यू, ये लेस देन वाला आएगा कि देखो एनआर मतलब ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। अगर मान लो इंसिडेंट मीडियम रेयरर होता तो ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, इंसिडेंट मीडियम अगर रेयरर होता ना, तो फिर यहाँ एनआर लिखता, एनआर क्रिटिकल एंगल एनडी साइन 90, तो फिर ये तो वैल्यू एनडी अपॉन एनआर ग्रेटर देन 1 हो जाती, मतलब वो तो पॉसिबल
नहीं है, मतलब टी आई आर क्रिटिकल एंगल तब डिफाइंड है जब इंसिडेंट मीडियम क्या हो, डेंसर। तो मैंने यहां लिख दिया, वेल टी आई आर में लिखा है देखो, और इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन में आपको याद रख लेना है, क्रिटिकल एंगल जब भी कैलकुलेट करना है आप तो आंख बंद करके साइन आई इक्वल टू क्या लिख दोगे, ऊपर ले रहा नीचे डेंसर, ठीक है, वही आना है, मतलब वैल्यू वन से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन इजीली की जा सकती है यहाँ से, मतलब क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, स्नेल्स लॉ लगा लो। और क्रिटिकल एंगल में एक चीज ध्यान रखना कि आपको एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन देने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल दैट कैन बी मेड इन मीडियम। कोई मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, इफ लाइट रे इज रिफ्रेक्टेड फ्रॉम मीडियम टू एयर, मतलब रे कहां से कहां जा रही है, उस मीडियम से एयर में जा रही है, तो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल क्या हो सकता है। देखो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल रिफ्रेक्शन है ना, तो क्रिटिकल एंगल ही हो सकता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होते ही क्या होगा, फिर तो रिफ्रेक्शन होगा ही नहीं, फिर तो टी आई आर हो जाएगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना है, मैक्सिमम एंगल क्या होगा, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल जो है, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल ये जो हो जाएगा वो किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। तो अब यहां पे मैं ये बना दिया मीडियम, अब ये डेंसर मीडियम रूप टू बना दिया, ऊपर जो है यहाँ एयर बना दिया, एयर मतलब एन इक्वल टू वन, अब यहां से रे आ रही है तो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल ये जो है, ये एंगल किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल, और ये आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब स्नेल्स लॉ लगा लो, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, ठीक है, एन वन इंसिडेंट मीडियम क्या हो गया, रूट टू साइन आई, साइन क्रिटिकल एंगल हो गया, वन साइन 90 डिग्री, तो साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। और वही आंसर है क्या, वही आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल जो आईसी है यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, नोट करना, क्वेश्चन समझना, वीडियो पॉज करना, सोल्व करना, दो मिनट का क्वेश्चन है। ऊपर मीडियम वाला के, ऊपर वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू रूट 3 है, नीचे वाला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 2 है, इंसिडेंट रे आ रही है 75 डिग्री पे, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, पहला तो क्या पता करना है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना होगा, दूसरा और डेविएशन इन इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे डेविएट होकर किधर जाएगी और कितना डेविएशन होगा। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपने सोल्व कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके सोल्व करो, और कर लिया तो आंसर मैच करना, ठीक है। एन वन साइन है, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, एन वन का कितना आ गया 2, यहाँ आ गया कितना साइन 75, एन टू कितना आ गया √3, और यहाँ कितना आ गया साइन आर, ठीक है। अब जो साइन 75 का वैल्यू है, साइन 75 का वैल्यू कितना, साइन 75 का जो वैल्यू लिखोगे आप 2√3+1 अपॉन 2√2 इक्वल टू √3 साइन आर, तो यहाँ से साइन आर कितना आ गया, देखो साइन आर जो आ रहा है ना 2 से 2 तो गायब हो गया, तो ये आ गया √3+1 अपॉन साइन 75 का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो यहाँ लिख लेना, गिवन गिवन क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए, गिवन साइन 75 इक्वल टू √3+1 अपॉन 2√2, जेई वालों को तो पता ही होता है। तो यहाँ क्या आ गया, देखो साइन आर का वैल्यू 2 से 2 गया, यहाँ √6 आ गया। अब अगर मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ये वाली जो वैल्यू आएगी ना √3+1, ये √6 आ गया, √6 का वैल्यू जो आएगा ये √3 1.7+1 मीन्स ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ रही 2.7, और ये जो नीचे वाली वैल्यू आएगी ना ये 2.7 से कम आने वाली है, ये वाली वैल्यू √6 का एग्जैक्ट वैल्यू 0.45, ठीक है 2.45, तो ये 2.45 लिखा अगर मैंने, तो यहां से तो ये तो साइन आर ग्रेटर देन 1 हो गया, साइन आर ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रेक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन आर का वैल्यू तो 1 से छोटा होता है ना, आपने पूरी टेबल देखी होगी, तो साइन आर का वैल्यू तो लेस देन 1 ही होता है, या तो इक्वल लेस देन इक्वल टू का, तो यहाँ रिफ्रेक्शन तो क्या हो गया नॉट पॉसिबल, रिफ्रेक्शन नॉट पॉसिबल है। अगर रिफ्रेक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नॉट कैन नॉट कैलकुलेट, ठीक है।
ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बताऊँ ना, यहाँ हो क्या रहा है कि देखो यहाँ TIR हो रहा है, यहाँ TIR हो रहा है, ठीक है। वैसे अगर अपने को पता नहीं होता ना तो अपन क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व करेंगे, साइन आर ग्रेटर देन वन आ जाए तो आपको समझ लेना है कि यहाँ TIR होगा बस, ठीक है। 100% रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रेक्शन नहीं होगा। आप चेक भी कर लो यहाँ क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, देखो N1 sin I = N2 sin R, तो N1 कितना आ गया 2 sin साइन क्रिटिकल एंगल लिखूंगा ना मैं, साइन क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन, साइन 75 मैं क्रिटिकल एंगल देख रहा हूँ, क्रिटिकल एंगल होगा तो ये कितना होगा साइन 90 डिग्री, तो साइन क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन क्रिटिकल एंगल √3/2 sin 90 तो 1 हो गया, तो मतलब क्रिटिकल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे जो है आई जो है ग्रेटर देन आई सी है क्या, मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा TIR होगा, TIR होगा, तो TIR में तो डेविएशन इजीली लिखा जा सकता है, TIR मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मतलब ये भी एंगल भी 75 डिग्री होगा, तो डेविएशन क्या लिख दोगे 180 माइनस डेविएशन का फॉर्मूला पता है ना आपको π-2i, या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं, ये वाली लाइन इधर बढ़ा दूँ तो ये रह जाती, और यहाँ ये डेविएशन एंगल कितना हो गया 180 - 2 × 75, आपको फॉर्मूला भी लिखाया था π-2i वाला, ठीक है। डेविएशन का फॉर्मूला मैंने बताया भी था रिफ्लेक्शन में π-2i वाला, नहीं पता हो तो भी चलेगा। और ये जो डेविएशन है कौन सी डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज में, तो आंसर क्या हो गया 180 - 2 × 75 करोगे तो कितना हो गया 150, तो डेविएशन आ गया कितना 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका डेविएशन का आंसर तो हो गया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा ना, अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से लाओगे। अच्छा पहली बार में तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये 75 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे यही प्रोसेस लगाओगे, यही प्रोसेस लगाओ लास्ट में साइन आर ग्रेटर देन वन आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आ रही होगी, मतलब ये वापस रिफ्लेक्ट होके बे TIR होगा 100%, फिर डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते, ठीक है। तो ये अपना वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखो एक टर्म आती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है, तो इसको समझते हैं जरा क्या है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। मान लो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड मान सकते हो, कोई भी मीडियम मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे और ऊपर एयर मान ली, यहाँ पे ही कोई मीडियम है, ठीक है, और उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने एन मान लिया, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, अब ये सोर्स लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही होगी, मान लो इधर लाइट जा रही है, ये तो एज इट इज निकल जाएगी, अब कुछ लाइट यहाँ जाएगी, तो ये लाइट क्या है, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ऐसे चली जाएगी कुछ, और यहाँ कुछ लाइट जा रही है, तो कभी ना कभी एक ऐसी लाइट आएगी जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर का वैल्यू 90 डिग्री होता है, अगर आर का वैल्यू 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा क्या, आईसी के बराबर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूंगा ना तो इसके बाद जो लाइट रह जाएगी वो वापस सेम मीडियम में आ जाएगी, मतलब यहां तक जो है ना इस पॉइंट से यहां तक की लाइट बाहर जा रही है, और पूरा अगर मैं टॉप से देखूंगा ना तो ये एक सर्कल देखेगा, उस सर्कल से लाइट बाहर जा रही होगी, उस सर्कल का रेडियस मान लेता हूं मैं ये आर है, इस आर वाला जो सर्कल है ये सर्कल को चमकता हुआ सर्कल दिखेगा, जैसे मान लो यहाँ पे जो है सोर्स लगा हुआ है कुछ लाइट का, तो यहाँ से जो है ना ये लाइट रे जो ऊपर जा रही है ना, तो अगर इसको टॉप से देखा जाए ना तो एक ऊपर में टॉप में चमकता हुआ सर्कल दिखेगा, उसी सर्कल को क्या बोल देते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब इसका जो है रेडियस कितना होगा ये पता लगाते हैं, मान लो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की जो ये डेप्थ है जहां पे सोर्स को रखा गया है वो एच डेप्थ में है, ठीक है, सोर्स को कितना नीचे रखा एच, ठीक है। अब मैं अगर यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो टेन आई सी क्या लिखा जा सकता है, देखो यहां से यहां तक ये रेडियस के बराबर हो जाएगा क्या, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ये सर्कल का रेडियस हो गया, तो टेन आई सी को क्या लिखा जा सकता है, टेन आई सी को लिखूं अगर यहां से टेन आई सी क्रिटिकल एंगल इक्वल टू आर अपॉन एच। अब क्वेश्चन में एच दिया गया होगा आपको, एच क्या हो गया डेप्थ, अब मुझे आर निकालना है तो आई सी का वैल्यू चाहिए, अगर आई सी का वैल्यू आ जाए तो आर आ जाएगा, तो आर कितना हो गया एच टेन आई सी। अब आई सी का वैल्यू कैसे निकालना है, देखो क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ से साइन आई सी इजीली आ जाता है क्या, तो एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर, तो एन वन नीचे वाला मीडियम तो एन हो गया, साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1 sin 90, तो साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया, यहां से लिखो तो साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आ गया 1/n, अगर साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 1/n है तो जैसे यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है ये क्रिटिकल एंगल, अगर ये 1 होगा तो ये n होगा, और ये अगर कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन, तो टेन आईसी कितना आ गया देखो, टेन आईसी अगर यहाँ से देखो तो वन अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, और इसको आर अपॉन एच लिखो तो आर कितना आ गया रेडियस, एच अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन। एन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एच क्या है, कितना डेप्थ में लगाया है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पे बेस्ड ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इनसाइड ए ग्लास क्यूब ऑफ साइड ए, एक ग्लास क्यूब है उसकी साइड ए मान ली और उसका जो सेंटर होगा वहां पे एक मैंने पॉइंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ यहाँ पे किस टाइप से, देखो डायग्राम मान लो ये आ गया, ठीक है, ये पूरा क्यूब आ गया। अब इसके सेंटर पे एक सोर्स लगा दिया मैंने, सेंटर पे एक सोर्स लगा दिया, अब ये क्यूब है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लाइट रे बाहर आ रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ जब क्रिटिकल एंगल आ जाएगा तो ये लाइट रे इधर आ जाएगी, तो ये रेडियस कितना होगा आर। अब इतना एरिया अगर मैं यहाँ पेंट कर दूं, इतना एरिया पेंट कर दूं तो इधर से लाइट बाहर नहीं आने वाली, इधर भी इतना एरिया पेंट कर दूं, इतना एरिया और एक फ्रंट में और एक बैक में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना एरिया हो गया अब सिक्स, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना एरिया, आंसर जो है टोटल एरिया कितना आ गया, सिक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया लिख दिया मैंने कितना, सिक्स पाई आर स्क्वायर। अभी आर कहाँ से लाओगे, सिक्स पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इस क्यूब की छह सरफेस होगी और एक का एरिया पाई आर स्क्वायर। अभी आर इसकी कैलकुलेशन इसमें जैसे किया था वैसे लिख दो, तो मैं डायरेक्ट आर इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब जो है एच, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई टू जाएगा अपॉन रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, एच का वैल्यू ए बाई टू क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस क्यूब का साइड ए है क्या, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, ए अपॉन टू रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, तो टोटल एरिया जो लिखोगे ना वो कितना लिखोगे, सिक्स पाई। अब यहां से लिखता हूं जरा मैं टोटल एरिया कितना आ गया, टोटल एरिया सिक्स पाई आर की जगह क्या लिख दिया, ए टू रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, तो इस टाइप से यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एरिया अगर मैं पेंट कर दूंगा ना तो इससे एक भी लाइट रे बाहर नहीं आने वाली, क्लियर है यहां तक। तो हो गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, फॉर्मुला नहीं रखना है डायरेक्ट, इस क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहीं पे भी सोल्व किया था, आपको पूरा सोल्व कर लेना है, सिंपल सी ज्योमेट्री लगानी है, क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल स्लो लगा लेना है, ठीक है। और सर्कल ऑफ इस वाले सर्कल का एरिया चाहिए तो वो तो सिंपल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक ही सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस हो गया, नेक्स्ट समझते हैं। एक थ्योरम आती है कोची थ्योरम, देखो कोची थ्योरम क्या बोलती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड गिवन बाय एन, जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का और वो क्या होता है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए और बी क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, क्या है उससे नहीं मतलब, ए और बी क्या लिख लेना आपको, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, मतलब लैम्डा बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, ऐसा बोला किसने, कोची थ्योरम है, चाची नहीं है, कोची थ्योरम है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, विबग्योर ये लाइट विजिबल रेंज है, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर का, सबसे कम वायलेट का, इन सभी में देखा जाए तो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा बी, अगर लैम्डा वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, मतलब इधर 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 जाने पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनमें से वायलेट का, सबसे कम रेड का, ठीक है। तो एक थ्योरम है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं है, डेरिवेशन पे नहीं जाना कहाँ से आया, आप बस याद रखो रिलेशन को कि कोची थ्योरम क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या देखो, TIR ऑफ ग्रीन कलर, मतलब अगर यहां से देखा जाए तो ये जो ग्रीन कलर है अगर इसका TIR हो रहा है, ठीक है, TIR तो आपको पता ही है, अगर ग्रीन कलर की लाइट जो है वापस रिटर्न आ रही है तो कौन कौन सी लाइट जो है वापस रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ग्रीन कलर का TIR हो रहा है तो देखते हैं जरा क्या होगा, मान लो डेंसर मीडियम से, डेंसर से रेयर में आ रहा होंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर ग्रीन कलर की लाइट है, ये कौन सा कलर है, ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन कलर का TIR हो रहा है मतलब ग्रीन कलर इधर आ जा रहा है, तो ग्रीन कलर इधर आ रहा है कौन कौन सा और कलर आ रहा होगा, पहले तो देखते हैं क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल देखा जाए तो आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन आई सी इक्वल टू वन बाई एन, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा किसके लिए होगा, जिसका एन कम होगा, ठीक है, एन कम होगा ना तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, तो सबसे कम एन किसका है, सबसे कम एन अगर देखा जाए तो रेड कलर का है, रेड कलर का एन कम है तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो आईसीआर सबसे ज्यादा है रेड कलर का और सबसे कम किसका हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल
वायलेट कलर का, और इसी ऑर्डर में जो है क्रिटिकल एंगल बढ़ते चले जाएंगे। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका, रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ज्यादा, फिर वायलेट, फिर ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो है कोई रे अगर इसको क्रॉस कर रही है तो देखो अगर क्या है, यहां से अगर मैं क्रिटिकल एंगल को देखूं तो क्रिटिकल एंगल का ऑर्डर देख लेते हैं जरा। क्रिटिकल एंगल क्या आएगा देखो, जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा। तो n का वैल्यू सबसे कम किसके लिए, रेड कलर का, रेड कलर, फिर यहां पे ना बीच में ग्रीन कलर भी आएगा, फिर यहां कहीं पे वायलेट कलर भी आएगा, ठीक है। तो मतलब अगर ग्रीन कलर का TIR हो रहा है, मतलब मान लो ये IG का वैल्यू, ये जो ICG है ना, ये वैल्यू मान लेता हूं मैं आ रही कुछ 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, तो अब अगर ये लाइट रे जो इधर से आ रही होगी ना, यहां से ग्रीन कलर की लाइट के लिए TIR हो रहा है, ग्रीन कलर की लाइट के लिए TIR हो रहा है, मतलब ये 30 डिग्री से तो ये एंगल क्या होगा, ज्यादा ही होगा, 30 डिग्री से ज्यादा ही होगा अगर ये, तो अगर 30 डिग्री से ज्यादा हुआ ना है, तो ये वाले इधर वाले इसका कुछ न कुछ मान लेते हैं अपन 20 डिग्री है, तो अगर ये 30 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली 20 से भी ज्यादा होगा, 20 से भी ज्यादा होगा तो मतलब वायलेट कलर का भी TIR होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों ऑप्शन होंगे, मतलब एक दो आंसर हो जाएंगे, मोर देन वन करेक्ट था, तो वायलेट और इंडिगो कलर का भी TIR हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक डेटा लेके समझाया ताकि इजीली समझ आ जाए आप लोगों को, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, देखो क्या है, ये है, इसको बोला जाता है कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें TIR का यूज होता है। तो देखो क्या है, इसमें क्या होता है, एक बार ये सिग्नल भेज दिया ना, तो ये सिग्नल बाहर नहीं निकलना चाहिए, यहीं पे TIR करता हुआ आगे बढ़ना चाहिए सिग्नल। तो देखो क्या है, फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वायर, ठीक है, सच दैट दिस इंसिडेंट रे डज नॉट एस्केप थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ये कर्वेचर वाली सरफेस से ये सिग्नल बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्राई करो, जरा क्वेश्चन लिख लो पहले और वीडियो पॉज करो और एक मिनट में सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूँ जरा। देखो यहाँ से क्या होगा, ये रे जो जाएगी ना आगे बढ़ेगी यहाँ से, अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल के पास आ जाएगी, ये नॉर्मल के पास आ गई तो ये एंगल आर बना दिया मैंने। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 माइनस आर है क्या, अब ये अंदर आ जाना चाहिए, अगर ये अंदर आ जाए इसका भाई की 90 माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तो वापस वहां पे TIR हो जाएगा और ये रे इधर आ जाएगी, क्लियर। अब 90 माइनस आर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मैं वापस क्या करता हूँ, साइन लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन क्रिटिकल एंगल, साइन 90 माइनस आर तो क्या हो गया, कोस आर हो गया, ग्रेटर देन, अब साइन क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यहां से लिख देता हूं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, क्रिटिकल एंगल मैंने निकालने के लिए आपको बता रखा है, n sin क्रिटिकल एंगल होगा तो ये 1 sin 90 हो गया, तो sin क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 1 / n, तो यहां क्या लिख देना आपको, cos r greater than 1 / n, ठीक है। अब cos r का वैल्यू कहां से लेके आए, cos r का वैल्यू तो पता नहीं है, ये तो मैंने लिख लिया क्या, क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला। अब cos r कैसे लिखता हूं, मैं इस वाली सरफेस पे सिग्नल सिंबल लगाता हूं, तो 1 sin i इक्वल टू, 1 sin i इक्वल टू n sin r, ठीक है। तो sin r का वैल्यू कितना हो गया, यहां से sin r का वैल्यू हो गया sin i / n, अब sin r का वैल्यू आ गया ना मेरे पास, अगर sin r का वैल्यू आ गया तो cos r का वैल्यू भी आ जाएगा, कैसे लिखोगे cos r का वैल्यू, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो cos r का वैल्यू कितना लिख दोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो उस टाइप से लिख दिया मैंने, क्या लिखा देखो, कोस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और ये ग्रेटर देन कितना आ रहा है, 1/n, तो यहाँ लिख दिया 1। अब ये साइन आई की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन आर की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन आई / n, और ये स्क्वायर ग्रेटर देन 1/n, स्क्वायर करूंगा तो क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर / n स्क्वायर ग्रेटर देन 1 / n स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया मैंने, n स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो n स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर i ग्रेटर देन 1, तो यहां से देखो n का वैल्यू इतना आ गया, n स्क्वायर ग्रेटर देन 1 + sin स्क्वायर i, ठीक है। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 1 + sin स्क्वायर i आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर तो ऐसा आया कि i पे डिपेंडेंट आया, अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जो ये, अब देखो अब आपको ये थोड़ी पता कितने कितने एंगल पे यहाँ पे रे को भेजा जा रहा है, तो आपको पहले तो ये आंसर याद रख लेना है,
n greater than 1 plus sin square i. नीट वाले स्टूडेंट्स तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है, कैसे डेराइव करना है ये मैंने बता दिया आपको। अब क्वेश्चन में क्या होता है, आपको कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये तो फॉर गिवन एंगल आई, ये फॉर्मूला तो किसके लिए हो गया, फॉर गिवन एंगल आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, कभी ये आपको आई नहीं दिया होगा और फिर भी एन पूछ ले रहे हैं, तो फॉर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई, तो फिर आपको क्या करना होगा, इस आई को हटाना होगा। अब ये देखो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एन एन जो है इससे बड़ा है ना, अब ये साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो मैं अगर एन ग्रेटर देन रूट टू कर दू ना, एन ग्रेटर देन अगर मैंने रूट टू कर दिया, ठीक है, एन ग्रेटर देन रूट टू कर दू, तो फिर यहाँ पे आप जो है कोई भी एंगल पे ला दो, कोई भी एंगल पे होगा तो वहां पे जाके टी आई आर हो जाएगा, ठीक है। और आई गिवन हो तो ये लिख लेना है, अगर आई क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आंसर हो जाएगा एन ग्रेटर देन रूट टू, एन ग्रेटर देन रूट टू क्या लिख रहा हूँ, अगर एन ग्रेटर देन रूट टू होगा ना तो वो इससे तो बड़ा हो ही जाएगा, इस वाले टर्म से तो बड़ा हो ही जाएगा ना, वन प्लस साइन स्क्वायर आई से, क्योंकि साइन स्क्वायर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर एन ग्रेटर देन रूट टू कर लेना है, अगर एन की वैल्यू रूट टू से ज्यादा है ना तो फिर यहाँ पे जो है यहाँ से रे बाहर नहीं जाने वाली, मतलब अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल बनानी है तो उसके अंदर का जो मटेरियल लगाना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रूट टू से ज्यादा होना चाहिए, अगर कुछ भी एंगल पे लाइट रे इंसिडेंट मिले, अगर आपको आई एंगल दिया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, तो आज अपन ने जो है बेसिक बेसिक्स पढ़ लिया और जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अगले दो लेक्चर अपन जेईई नीट के लिए काम करेंगे, ठीक है, थैंक यू।